इस संदर्भ में एक डेड बॉडी भी मिली है और उसको भी हत्या समझकर उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे तरीके से वहां पर तैनात थी। पुलिस ने इसके संदर्भ में पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ सारी कार्रवाई वहां पर की। हम माननीय उच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के माध्यम से इसकी न्यायिक जांच की जाएगी। साथ ही में जो हत्या हुए उसकी सीआईडी इंक्वायरी की जाएगी। हत्या में जो युवक है उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। साथ ही में जो गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है उसमें भी राज्य सरकार मदद करेगी। और मैंने महाराष्ट्र में सभी को यह अपील की है कि कुछ लोग मिलकर महाराष्ट्र में जातीय तनाव निर्मित हो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को सफलता नहीं मिलनी चाहिए।